मान्य घोषित हो गए, ब्रिजभूषण का भी इस्तीफा जो है इस्तीफा हो गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हंसी आ रही है। हंसी आ रही है क्यों? हंसी किस बात आ रही है? कर्नाटक के हार ने पूरे भाजपाइयों का दिमाग ठिकाने पर ला दिया। अच्छा, कह रहे दूरबीन से ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसे बता रहे थे कांग्रेस को? कौन? अमित शाह। देखो हमारे मराठी में ना, महाराष्ट्र में मराठी में एक कहावत बोलते हैं, दशा दहा दिवस असतो, मतलब बुरे वक्त चंद दिनों के लिए रहता है, ठीक है ना। और बुरा वक्त सबके जिंदगी में आता है, कांग्रेस की जिंदगी में आया था, लेकिन कांग्रेस को लोग समझ नहीं पा रहे थे। आज मैं ये बार बार, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये रियलाइज जो होता है वो मैं देखता है, वो मैं बोलता हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस ने सत्ता खो करके इस देश से कुछ भी नहीं खोया, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया था। तो आज जो है कर्नाटक की हार जो है ये बता दी है कि अब हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। इसलिए बजरंग बली ने अपने गदा से भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के कर्नाटक में मारा। हंसी किस बात के लिए आ रहे हैं आपको? आपने कहा ना कि कांग्रेस दूरबीन से दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अमित शाह ने तो अमित शाह को ये संदेश है मेरा कि आने वाले वक्त में दूर दूर से कहीं कमल नहीं दिखेगा। वो इसलिए मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि जो बीजेपी का कमल है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही चला गया, अब सिर्फ कीचड़ रह गया है। वो कीचड़ भी सूख जाएगा बहुत जल्द। अच्छा। कीचड़ से आपका क्या तात्पर्य है? कीचड़ किसे कह रहे हैं आप? किसे कह रहे हैं कीचड़? जो वो है कीचड़, मैं ये बात कह रहा हूँ कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, दिमाग में जो कीचड़ बैठा है वो बुरा है। अच्छा। कीचड़ वो है। अरे इतने महान प्रधानमंत्री, तेजस्वी हैं, ईमानदार। महान प्रधानमंत्री की बातें सुन करके बहुत कभी कभी हम लोग यूं करते हैं। अच्छा। वो इसलिए कभी कभी टीवी बंद कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री दावोस में जाके कहते हैं कि भाइयों बहनों, हमारे 600 करोड़ मतदाताओं ने हमें भारत में चुनाव देकर जिताया था। तो ये बताइए, पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़, भारत में 600 करोड़ मतदाता कहाँ से आ गए? तो प्रधानमंत्री देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह रोशन करेगा कि 600 करोड़ मतदाता? हाँ, अब प्रधानमंत्री देश का नाम इस तरह से रोशन करेगा क्या? जब देश में लोकसभा का इलेक्शन आता है तो कोई भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जब ये अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, तो क्या विदेशों में इसकी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होती है? आप मीडिया से बताओ। होती है। अरे इतने लोग देख रहे हैं। होती है, होती है। तो किसकी बदनामी होती है जब उनके वादे मैनिफेस्टो में पूरा नहीं होते? तो वो तो कह रहे लगातार। अरे मैं आपसे कह रहा, आप उनका बात मत कीजिए। अभी इस समय मैं और आप है ना, ये बताइए किसकी बदनामी होती है? भारत की। भारत। हाँ, भारत की होती है ना, तो भारत की बदनामी होती है। डंका बज रहा है भारत के। अभी वही बात कह रहा हूँ, आप खुद बोल रही है बदनामी होती है, फिर बैठ के डंका भी बजा रही है क्या मैडम? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आज यहाँ पर 2-3 दिनों से देख रहा हूँ पत्रकारों का टेम्परेचर देख रहा हूँ, खाली उकसाने वाली बात मुंह में घुसेड़ना है। कलीम शेख जी, राज्यों में जीतना आसान है, भारत में अभी लोकसभा चुनाव बाकी है, तो क्या लग रहा है? ये आप समझी नहीं बात, कोई कितना बार बेवकूफ बन सकता है? अच्छा एक बात बताइए, चलिए छोड़िए बेवकूफ का, बेवकूफों की। अरे मैं हिमाचल क्या था, भारत से बाहर है क्या? सुनो एक बात, एक बार हमने चाय बनाई जी, दूसरी बार हमने चाय गरम करी, तीसरी बार वही चाय गरम करेंगे ना तो चाय जहर बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। आप बात समझ रही हैं, क्योंकि देश इस समय किस चीज से जूझ रहा है? बेरोजगारी का रिकॉर्ड कितने सालों के स्तर, निचले स्तर पर है, पता है आपको कितने? पत्रकार। अच्छा एक, अरे यार हंस रहा है काय को, ये बात बताओ, आप मीडिया से हो ना, तो अवेयरनेस जनता में कौन देता है? मीडिया ना। तो आप बोल रही मुझसे, आप बताओ क्या बात कर रही है मैडम, जब आपको नहीं पता है तो ये बताइए। तो ये चीज़ें मुद्दों पर सवाल होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। मुद्दा क्या हमारे देश का? जब मुद्दा आता है कि हमें भाई रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए,
तो प्रधानमंत्री बोलता है कि द कश्मीर फाइल देखो, हम बोलते हैं कि भाई बच्चों को अनाज चाहिए, गैस का सिलेंडर महंगा करके, तो आप इस देश का जो जनता है ना उसे अब ये समझना पड़ेगा कि आप। अच्छा मैडम आप एक बात बताइए, मीडिया से हैं तो ये बताइए 1 किलो अनाज की कीमत कितनी होती है, एक अप्रोक्सीमेटली 20-25 रुपए, 25 रुपए मान लें अप्रोक्सीमेटली, तो 10 किलो अनाज की कीमत कितनी हुई, 250, 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, 10 किलो नहीं सॉरी, तो कितना हो गया 125 रुपए का अनाज महीने भर में मिलता है ना, तो 125 रुपए का अनाज मैं 1200 के गैस पर पकाऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा। वो आप लोग दे रहे हो ना, क्योंकि बीजेपी क्या है, देखो मैं एक बार 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 कह रहा हूँ, आज की मोहम्मद के साथ जिताते भी तो है। अरे तो सुनिए ना, मैं आप ही के ऊपर एक बात कह रहा हूँ, आप अभी सुन नहीं पाएंगे, अभी हंस रही हैं, अभी हंसी बंद हो जाएगी। आप बात सुनिए, मीडिया इस देश का कॉइन बॉक्स है, आप समझ रही हैं कॉइन बॉक्स क्या होता है, जो पान की दुकान पर पहले कॉइन बॉक्स लगा हुआ रहता था ना, तो 1 रुपए का सिक्का डालो तो 1 मिनट का टॉक टाइम देता था, ठीक है। आज का जो मीडिया है वो बड़ा उसका पेट है, उसमें 70 करोड़ों का ये डालती है कॉइन, तब वो सत्ता के लिए टॉक टाइम देता है, ये हो आप लोग इस समय। हाँ बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आपका इलाका कांग्रेस ज्वाइन करने का है क्या? हाँ अच्छा, ओहो बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा एक बात बताइए सर, मैं तो किसी पॉलिटिकल लीडर को कांग्रेस के नहीं जानता हूँ, सिर्फ टीवी में न्यूज़ में देखता हूँ, अगर आपकी पहुँच है तो मुझे कांग्रेस में कोई बड़ा सा पोस्ट दिलवा दीजिए। नहीं आपसे मैं बोल रहा हूँ, वायरल चल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, आपकी पहुँच होगी ना। यार तुम लोग बेतुके सवाल करते हो जिसका कोई पैर और सर नहीं है, क्योंकि इस समय देश को क्या, मेरे को चुनाव, मैं लेखक हूँ, मैं तो बार बार कहता था कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। बिल्कुल आप फिर आ गए। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, विश्व गुरु के आप भी चेले हैं। एक बात बताऊं मैं, विश्व गुरु, जब विश्व गुरु तो हम पहले ही बन गए हैं, पूछो कैसे, जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गांधी पर कमेंट करने पर हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा, और आज तक वो सांसद बनी हुई है, तो विश्वगुरु तो हम बनी गए ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस देश में महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाया जाने लगे, तो विश्व कदम से, विश्व गुरु से हम एक कदम दूर हैं बस। मोदी जी ने 60,000 स्कूल बंद करवा दिए, तो ये जाके मोदी जी से पूछो ना क्यों बंद कराए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें सिर्फ शौचालय पसंद है, विद्यालय नहीं है। क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है, और इन्हें सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है।